नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि क्या जेएसएससी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ढेर सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि क्या इस बार एग्जाम होकर रहेगा, लेकिन जेएसएससी की तैयारी कितनी है और रमेश हांसदा केस का इस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस बार जेएसएससी तैयारी पूरी कर ली है और अपने एग्जाम को लेकर के काफी सतर्क भी है। और आप देख रहे होंगे कि दिसंबर और नवंबर महीने में जितने भी एग्जाम थे वो सारे एग्जाम समय से होने लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित एग्जाम जेएसएससी सीजीएल क्या 21 जनवरी से शुरू हो जाएगा या फिर इसके डेट आगे चले जाएंगे, और इस सबके बीच में रमेश हांसदा केस का क्या होगा। हमारे पास जो खबर आ रही है इसके मुताबिक रमेश हांसदा केस का जजमेंट कुछ दिनों में आने वाला है और उसके बाद ही तय हो पाएगा 21 तारीख का भविष्य। लेकिन आपको कई बार मौका मिला है एग्जाम की तैयारी को लेकर, हमें लगता है कि आपको तैयारी पूर्ण रूप में करनी चाहिए और अब किंतु परंतु में नहीं रहना चाहिए। जेएसएससी ने भी मूड बना लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो, रमेश हांसदा केस का जो इफेक्ट पड़ेगा अंत समय में देखा जाएगा, फिलहाल हम परीक्षा ले लेते हैं। ऐसे में सेंटर को लेकर भी एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गया है और आज जेएसएससी ने अपने स्तर से कई सेंटर का पता किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसने चिट्ठी भेजा और चिट्ठी के माध्यम से जानने की कोशिश की कि क्या सेंटर इस समय में कोई सेंटर खाली है और क्या सेंटर पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, क्या तमाम सेंटर पर सीसीटीवी के अलावा अन्य जो दूसरी महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए, चार दीवारी है कि नहीं, यानी कि इनविजिलेटर के लिए पूरी व्यवस्था है कि नहीं, ये तमाम चीजों को आज फिर से एक बार चिट्ठी वहां से भेज दिया गया है। तो इस बार लग रहा है कि जेएसएससी पूरी एक्शन मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इस पर हाईकोर्ट का जो रिजर्व फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, क्या वो फैसला इस पूरी की पूरी जो इतनी स्पीड है जेपीएससी की, क्या उसको रोक देगा। हमें लगता है कि आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि तैयारी करती रहनी चाहिए, क्योंकि तैयारी अगर आपकी थोड़ी भी टूटती है, क्योंकि एग्जाम वन शॉट एग्जाम है, 2020 मैच है और एक ही दिन में आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट होगा, इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस सेट बेहतर तरीके से करना चाहिए, खास करके तीसरा पेपर और जो आपका अपना पेपर है उस पर आपको फोकस कर लेना चाहिए। लेकिन अगर रमेश हांसदा मामले में जो हाईकोर्ट का जजमेंट आने वाला है वो सरकार के अगेंस्ट में जाता है तो क्या कुछ होगा। सरकार के अगेंस्ट में अगर फैसला चला जाएगा तो इसमें हिंदी विषय को रीजनल सब्जेक्ट के रूप में जोड़ने के लिए फिर से बोला जाएगा, यानी कि उसमें 15 दिन से लेकर एक महीने का अतिरिक्त समय लग जाएगा। दूसरा, अगर हाईकोर्ट सर्टिफिकेट वाली पॉलिसी जिसमें SC ST OBC और EWS को जो सरकार की नीति थी कि वो कहीं से भी मैट्रिक इंटर का पढ़ाई किए हैं उनको ये सर्टिफिकेट वाली जो स्थिति होगी वो चलेगा, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ झारखंड से ही मैट्रिक इंटर करना होगा और इस चीज को हाईकोर्ट ने सुनवाई के समय में बताया था इरिलेवेंट है, अप्रासंगिक है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर इसी प्रकार की अराजकता वाले कानून बनते रहेंगे तो वो चुप नहीं बैठेगी। तो हाईकोर्ट के इस मूड को देख करके लगता है कि हाईकोर्ट सरकार के अगेंस्ट में फैसला देगी और ये फैसला आने के बाद लगभग फिर से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में जेएसएससी सीजीएल रुक जाएगा और एग्जाम 2-3 महीने आगे चला जाएगा। फिलहाल जेएसएससी को ऐसा लगता है और सरकार को ऐसा लगता है कि अभी उन्हें हरी झंडी मिल गई है, परीक्षा वो लेंगे और परीक्षा लेने के साथ साथ वो ये भी चाहेंगे कि सारे एग्जाम, चूंकि जितने भी टेक्निकल एग्जाम थे, आपने देखा होगा जेई परीक्षा हो गया, लैब असिस्टेंट वाला हो गया, दूसरे एग्जाम होने वाले हैं, PGT को लेकर के पूरी तैयारी हो गई है, तो एकमात्र विकल्प जो है वो रमेश हांसदा का केस ही है, जिसके तहत पर या तो हाईकोर्ट स्टे ऑर्डर लगा सकती है या फिर वो ये बोल सकती है कि आप फिलहाल परीक्षा ले लीजिए और आगे जब हम जजमेंट देंगे तो समय में देखा जाएगा इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वो स्थिति ज्यादा खराब होगी, सोनी कुमारी मामले से समझिए, 2016 का मामला, 22 में इस पर फाइनल जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट को खुद रिव्यू करना पड़ता है 15 दिन के अंदर और वो फिर से बताती है कि इसमें यहां पर त्रुटि हुई थी। लेकिन
8000 स्टूडेंट का इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से लिस्ट रुक जाता है, स्टूडेंट असमंजस में चले जाते हैं। इसी प्रकार से समझिए कि एक्साइज वाले रिजल्ट, सिपाही वाला रिजल्ट, पंचायत सचिव वाला रिजल्ट, तमाम चीजों पर रोक लग गया। इसलिए पहले, सबसे पहले क्या होना चाहिए, नियमावली दुरुस्त होनी चाहिए, हाईकोर्ट को अविलंब इसमें जजमेंट देना चाहिए, और हाईकोर्ट अगर इस पर कंफर्मेशन कर देती है तब जेएसएससी को आगे का स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इस समय स्टूडेंट भारी मेहनत में है और हमें लगता है कि उनको मेहनत रेगुलर बेसिस में इसी प्रकार से करते रहना चाहिए और निश्चित रूप से उनको सफलता मिल जाएगी। लेकिन हमें जो खबर मिली उसके मुताबिक रमेश हांसदा मामले में जजमेंट आने वाला है, और ये जजमेंट जो होगा, ये भी खबर ये भी है कि अगर जजमेंट को लेकर सरकार पूरी तैयारी में है, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ जजमेंट जा रहा है तो वो चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तब तक कोशिश करेगी कि वो एग्जाम ले ले। लेकिन अगर टिप्पणी करते समय हाईकोर्ट ये बोल सकती है कि वो स्टे लगा रही है एग्जाम पर, वैसी स्थिति में एग्जाम जो है वो रुक जाएगा, और ये स्थिति स्टूडेंट्स के लिए हमें नहीं लगता है कि अच्छा होगा, क्योंकि इतना बार डेट पोस्टपोन्ड हुआ है तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको काफी दिक्कत होता है इससे। तो इस बार कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, जो खबर आ रही है कि बहुत जल्द ही रमेश हांसदा केस में आने वाला है निर्णय जेएसएससी सीजल को लेकर। जेएसएससी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, यानी कि कोर्ट के डिसीजन का इंतजार सिर्फ आपको ऐसा नहीं है, उसके डिसीजन का इंतजार जेएसएससी को भी है और झारखंड की सरकार को भी। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, और हमसे मिलने के लिए आप रांची में हमारे दो दो कार्यालय हैं, हरिओम टावर और प्लाजा चौक में, दोनों में से कहीं भी आप आ सकते हैं, और इसके साथ साथ जमशेदपुर वाले सेंटर पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं।